दोस्तों एरोप्लेन्स तो आप सभी ने देखे ही होंगे और आपने एरोप्लेन्स की इन विंडोज को भी देखा ही होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन्स की विंडोज हमेशा गोल ही क्यों होती है, मतलब चौकोर भी तो हो सकती है। और ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसे आप अभी के अभी याद कर लो, क्योंकि इस नंबर के बारे में आप ऐसा फैक्ट जानोगे जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए अभी के अभी ये नंबर अपने दिमाग में बैठा लो। दोस्तों आज की वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, वाओ। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों फैक्ट यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो फैक्ट नंबर 15 से शुरू करते हैं। ये जो औरत आप देख रहे हो इनका नाम वैष्णव वुलोविक है और ये जेट एयरवेज की एक एयर होस्टेस थी। एक बार जिस एरोप्लेन में ये थी उस एरोप्लेन में मिड एयर में तकनीकी खराबी आ गई थी और जब एरोप्लेन 10,160 मीटर की ऊंचाई पर था तब वो एरोप्लेन बीच में ही टूट गया था, उसके दो टुकड़े हो गए थे और सभी लोगों के साथ वैष्णव वुलोविक भी 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गई। लगभग सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी लेकिन वैष्णव वुलोविक इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी सरवाइव कर गई। और एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि इस घटना में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था। ये इस दुनिया की पहली ऐसी ह्यूमन बनी थी जिसने 10,160 मीटर की ऊंचाई से बिना किसी पैराशूट के सक्सेसफुल गिरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो। इनके बारे में और जानने के लिए आप विकिपीडिया पर इनके बारे में पढ़ सकते हो। फैक्ट नंबर 14, आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लगती है तो आपके उस चोट वाली जगह से खून बहने लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है, क्योंकि उस बहते हुए खून को रोकने के लिए हमारा शरीर फाइब्रिनोजन की एक जाली का निर्माण कर देता है जिससे कि खून रुक जाता है और इसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। और अगर इसे हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है, ऐसे जाली में ब्लड सेल्स बंधे हुए होते हैं। फैक्ट नंबर 13, साल 1984 में कुवैत के प्राइम मिनिस्टर राजे शेख जाबर ने एक ऐसा कानून बनाया था कि जब तक इस दुनिया के नक्शे में कुवैत रहेगा तब तक यहाँ पर एक सैंडविच की कीमत 100 फिल्स यानी कि 17 रुपए रहेगी, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए इसकी रेट कभी नहीं बढ़ेगी। और इसके पीछे इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि उनके देश का कोई भी गरीब कभी भी भूखा ना सोए। फैक्ट नंबर 12, आपने देखा होगा कि जब आप रात को फोटो खिंचवाते हो तो फोटो में आपकी आंखों में रेड रेड कलर का कुछ आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब फ्लैश आपकी आंखों के बीच वाले प्यूपिल में पड़ता है जो कि एक होल की तरह होता है, उसमें फ्लैश की लाइट जाने के कारण आपका ब्लड रिफ्लेक्ट करता है और उसी ब्लड के रिफ्लेक्शन के कारण आपकी आंखों में वो लाल कलर दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 11, आपने बचपन से लेकर आज तक ये सवाल तो बहुत बार सुना होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, और इसका जवाब कोई भी ठीक तरह से दे नहीं पाता, लेकिन साइंटिस्टों की स्टडी के अनुसार उनका कहना है कि पहले मुर्गी आई थी ना कि अंडा, क्योंकि अंडों में जो प्रोटीन होता है जो कि अंडे की सेल्स को बनाता है वो केवल किसी मुर्गी द्वारा ही आ सकता है, उसे अंडा अपने आप नहीं बना सकता। इस विषय में सबके अपने अपने अलग विचार है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है पृथ्वी पर मौजूद सभी मनुष्यों के लिए 6 महीनों के लिए अगर ऑक्सीजन बनाए तो इतनी ऑक्सीजन बनाने के लिए 38 ट्रिलियन डॉलर्स, और इसे भारतीय रुपए में देखें तो आप अपने स्क्रीन पर जितने नंबर्स देख रहे हो इतनी लागत आती है, और पेड़ हमें इसे मुफ्त में देते हैं। यह है पेड़ों की अहमियत। फैक्ट नंबर 9, आपने यूरेनियम के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो आपको बता दूं यही वो चीज है जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स यानी कि परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस यूरेनियम की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो 1 ग्राम यूरेनियम होता है उस 1 ग्राम यूरेनियम में ही 19,87,09,00,000 कैलोरीज होती है, और ये कैलोरीज इतनी होती है कि अगर आप 50 मिलियन आवर्स तक यानी कि 5 करोड़ घंटों तक लगातार साइकिलिंग करें तब भी ये कैलोरीज आपसे खत्म नहीं होगी, और ये सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम में होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों परमाणु बम इतनी तबाही मचाते हैं। फैक्ट नंबर 8,
क्या आपको पता है चाइना में एक ऐसा शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर अपनी खुद की एक नदी है और उस नदी में चलने वाली बोट भी है और जो इसकी छत है उसे भी ऐसा पेंट किया गया है कि वो आसमान की तरह दिखती है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसके क्रिएटर्स ने इसे ऐसा बनाया है। फैक्ट नंबर 7, यूएस स्टेट की सिटी शिकागो में 1974 तक एक ऐसा अजीब नियम लगा हुआ था कि अगर किसी का लुक अगली है तो उसका सार्वजनिक रूप से पब्लिक में निकलना इलीगल है। मतलब उस समय जो लोग अगली दिखते थे, भद्दे दिखते थे, उनका पब्लिक में आना ही मना था। ऐसा इनका ये नियम था उस टाइम में। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी टैटूज बनवाए हैं या फिर कभी अपने फ्रेंड्स या किसी और के बनते देखे हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैटूज जो बनते हैं ये आपकी स्किन को चीर कर उसके अंदर छेद करके और उसमें ऐसा इंक को भर के बनाए जाते हैं। मतलब जो टैटूज होते हैं वो आपकी स्किन की लेयर के नीचे होते हैं, इसी कारण ये टैटू कभी मिटते नहीं है और परमानेंट हमेशा के लिए आपकी स्किन पर रहते हैं। इसे स्लो मोशन में आप देख सकते हो ये कैसे आपकी स्किन में छेद करके इंक को भरता है। इंटरेस्टिंग है ना? इस फैक्ट के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है नासा ने चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा रखी है जहां पर अपलोडिंग स्पीड 19.44 Mbps की है और डाउनलोडिंग स्पीड 622 Mbps की है। पृथ्वी चांद से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके बावजूद भी यहां पर इतनी स्पीड का वाईफाई अवेलेबल है। चलो चांद पर चले। फैक्ट नंबर 4, आप जो ये एस्टेरॉयड देख रहे हो इसका नाम है बेनू और इसका मास लगभग 78 बिलियन किलोग्राम है, यानी कि 7,800 किलोग्राम, और ये 101,388 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है। और साइंटिस्टों ने ये अनुमान लगाया है कि साल 2135 में ये एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा और फिर होगा महाविनाश। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये हमारी धरती से बिना टकराए धरती के पास से होकर गुजर जाएगा। खैर वो तो आने वाला जमाना देखेगा, हम तो बचेंगे ही नहीं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज उस सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फैक्ट वीडियोस लाता रहता हूँ। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फैक्ट नंबर 3, आज से 10 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर ये बड़े बड़े डायनासोर रहा करते थे और ये जो जीव आप देख रहे हो इसका नाम है टार्डिग्रेड। ये डायनासोर से भी करोड़ों साल पहले से इस धरती पर वास करता आ रहा है। डायनासोर का विनाश करने वाले उस 40 किलोमीटर डायमीटर के एस्टेरॉयड के टक्कर में भी ये सर्वाइव कर गए और ये जीव आपके हर एक मीटर के दायरे में आपके साथ रहता है। ये एकमात्र ऐसा जीव है जो कि 250 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक और -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक में भी जीवित रह सकता है। इसके अलावा ये अंतरिक्ष में भी 10 दिनों तक जिंदा रह सकता है। साइंटिस्ट लगातार इस जीव पर रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये जीव इस धरती का है ही नहीं। कुछ साइंटिस्टों का तो ये भी मानना है कि ये मंगल ग्रह से आया एक सूक्ष्म एलियन है। ये जो भी हो है बड़ा इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 2, तो अब बात करते हैं इस नंबर की, 24154-3903। दोस्तों ये नंबर कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस नंबर है और आज मैं आपको इसके पीछे का सीक्रेट बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप इस नंबर को यानी 24154-3903 को अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो आपको रिजल्ट में ऐसे फोटोज देखने को मिलेंगे जिसमें लोग अपने सिर को फ्रिज में फंसाकर फोटोज खिंचवा रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अभी के अभी सर्च करके देख सकते हो। और ये नंबर 2009 में हेड इनसाइड फ्रीजर के नाम से पॉपुलर हुआ था और इसे न्यूयॉर्क में रहने वाले डेविड नाम के एक बंदे ने सबसे पहले पोस्ट किया था, जिसे देखकर बाकी सब लोग भी इसे मजाक में लेकर ऐसी फोटोज डालने लगे। जब डेविड से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब उसने कहा कि ये मेरे एक पागल दोस्त का फेमस होने का आइडिया था और ये नंबर उस फ्रिज का सीरियल नंबर था। तो ये थी इस नंबर की कहानी। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने एरोप्लेन्स की विंडोज को हमेशा गोल ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमेशा गोल ही क्यों होती है? दोस्तों सन 1950 में हवाई जहाज सामान्य लोगों के लिए शुरू कर दिए गए थे। उस समय हवाई जहाज में चौकोर खिड़कियां हुआ करती थी और इसी कारण से 1953 में दो हवाई जहाज हवा में ही क्रैश हो गए थे जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी। जब इन दोनों क्रैश के कारणों का पता लगाया गया
तो सामने आया कि इन दोनों के क्रैश का कारण हवाई जहाज की चौकोर खिड़कियां ही थी, क्योंकि चौकोर खिड़कियों के डिजाइन में चार कमजोर स्पॉट्स होते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने से वो हवा में चटक जाते हैं और प्लेन क्रैश होने की संभावना हो जाती है। इसी वजह से बाद में सभी एरोप्लेन की खिड़कियों के कोनों को गोलाकार बनाया जाने लगा, जिससे प्रेशर विपरीत दिशाओं में बढ़ जाता है और खिड़कियों पर ज्यादा प्रेशर न पड़ने की वजह से इनके टूटने की संभावना भी कम हो जाती है। तो यही कारण है जिसकी वजह से एरोप्लेन्स की विंडोज को राउंड शेप में बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और आपको जो फैक्ट सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।